उड़ीसा प्रदेश सुवर्णपुर जिले में सिग्गजुवा जंगल में 28 हाथी अब इस क्षेत्र में कहर बरपा रहे हैं। झुंड ने पहले ही कई एकड़ में खड़ी फसल और सब्जी फसलों को नष्ट कर दिया है, यहां तक कि कई घर द्वार तोड़ दिए हैं, मगर अभी तक बिनका जंगल विभाग को हाथी खदेड़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। मिर्च पटाखे और ढोल के साथ धुएं का उपयोग कर रहे जंगल विभाग, इसके साथ आवारा लोग जो कि हाथी देखने के लिए मजे ले रहे हैं, उनको हाथियों के करीब नहीं जाने के लिए माइक लगाकर सूचित किया जा रहा है। रविवार पापी गाँव में जंगली हाथियों के झुंड तांडव करते समय आसपास गांवों के लोग इसके मजे लेने के लिए अपने अपने बाइक पापी झार कदली पली रास्ते पर रखकर जहां हाथियों के झुंड थे उनके नजदीक जाके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोलिए क्या कहेंगे आपका जो नुकसान हुआ है? नुकसान बैगन एकड़े को राही दिला जिंदा के पूरा हाथी पड़ो आसी के पूरा बर्बाद कर दिले, बोले वन विभाग भी सीधे घोड़ा चेष्टा कर हाथी सुरक्षा से करूँ चाषी सुरक्षा किसी नहीं कर पार्बा जिनटा कि आम कल छजन पलिगल हाथी आईजन पल बोले जीवन रक्षार लगे आलिका पूरा सब आगे दलित चौक टी नष्ट कर दीजन जिनटा कि मोर हिसाब से 60-70 हजार टाँह मुझे पाई जिनटा पूरा लुकसान हो गला सब जग या मुझे वन विभाग भी कह सरकार भी दावी कर क्षतिपूरण देवे बोल ना तो मुझे हाथ दे बस मुझे आर कण करमी। आपका परिचय सर? मुझे डबला अरविंद नायक। हाँ सर, आज को 10 दिन गुजर गया है जंगली हाथी आके सिंघीजीवा रेंज एरिया में हलचल मचा रहे, आतंक मचा रहे, किसानों का भारी परिमाण में फसल नष्ट हो गया, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? इंद्र कर्मा जी, देखिए यहाँ पे करीब 8-10 दिन हो गया है सिंघीजीवा में हाथी का मूवमेंट हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरा कि ये जहाँ से आए थे उधर अपने जगह पे पुनः लौट जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है शायद इनके ये जा नहीं पा रहे हैं। 8-10 दिन हो गया है, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी दूसरे रेंज से भी स्टाफ मंगाए हैं और दूसरे रेंज का भी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में भी उसका ट्रैकिंग कर रहे हैं और आवर बेसिस से, और किधर जा रहे हैं जैसे कोई किसी का मतलब किसी के जान का नुकसान ना हो या किसी का कुछ फसल ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो अनुकंपा ऐप है उसके थ्रू वो अपने अनुकंपा जितना हो सकता है वो सरकार एक सर वो जो कितने हैं हमारे जो आ रहे हैं हाथी उनके झुंड कितने हैं, कितने हाथी? करीब 28 हैं और अभी तो देख रहे हैं उसमें कुछ बच्चा हाथी भी है क्या? हाँ बच्चा 3 ठो है। तीन है बच्चा, और अभी तो देख रहे हैं आरे भी नहीं जा पा रहे हैं, भीड़ है तो हम उनको पब्लिक को भी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा हाथी के करीब नहीं जाने के लिए भी हम बोल रहे हैं। सर आपका डेजिग्नेशन थोड़ा बोलिए। रेंज ऑफिसर बिनका। नाम सर? अविनाश परिया। R9 भारत के लिए सुवर्णपुर बिनका से विप्लव रंजन दास की रिपोर्ट।